कि वह कह रहे थे कि तुम लोग जो है व्यूज के लिए वीडियो बना रहे थे इधर से। एकता में ही बल है, जब तुम ही लोग आपस में एक दूसरे को निशान दिखाओगे पराया तो हमला करेगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और क्रियांश महाराज, अच्छा 11 बज गए पता भी नहीं चला, और क्रियांश महाराज जो है कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं। क्रियांश महाराज आप जाना चाह रहे हैं नीचे, तो इसको नीचे लेकर के चले। बाबा नीचे न, कभी कभी मुँह से निकल रहा है तो बोली जो है अब थोड़ा सा जो है फूटना स्टार्ट हुआ है। आजकल बाबा के पास ही हमेशा रहना है और रात में आना ही नहीं चाहता, रात में बिल्कुल भी आना नहीं चाहता है, चाहता है कि नीचे ही खेलते रहे, क्योंकि इसको मालूम है कि ऊपर जाएंगे ऊपर में हमको तेल लगाया जाएगा, मालिश होगा, उसके बाद सोना हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इस महाशय को जो है रात भर खेलना है। और ये अपना टोपी तो बहुत ही आराम से खोल लेता है, क्या टोपी खोल रहा है क्या? इसके पास टोपी पास साथ है, लेकिन जो है मंकी कैप हमने सोचा कम से कम वो तो पहन के रहेगा, लेकिन नहीं, जैसे अभी थोड़ा देर है फिर खोल के फेंक देगा। तो इसको भी जो है खोलना सीख लिया है, तो कहाँ फेंकता है ना मैं दिखाऊंगी आपको। एक टोपी कहाँ भी मुझे मिला, 2-3 दिन से टोपी ही नहीं मिल रहा था, तो फिर हम कल खरीद के टोपी लाए और वो टोपी मुझे आज मिला, कहाँ है फेंका हुआ मैं दिखाऊंगी आपको। ठीक है जी, यहाँ हम अपना काम कर रहे हैं और क्रियांश से उधर से गेट को नॉक कर रहा है, तो गेट को खोल देते हैं। लग रहा है कि क्रियांश कहीं चला गया है। कहाँ है क्रियांश? अंदर चला गया। ये बाबा को घींच के कहाँ चली? अच्छा जय करेगा बाबा, फिर से अभी कहाँ रहता, चलिए घींच के बाबा ना। चलो चलो क्रियांश, प्रसाद खा लो, प्रसाद सूरज को दे दीजिए, सूरज को दे, चल दे दीजिए सूरज को, नहीं खाएगा क्रियांश। प्रसाद लो, डालो मुंह में, डालो डालो। लेकिन जल्दी से मुंह डालेगा तो छीनेगा मेरा। ए माँ मेरा पछाड़ ले रहा है, माँ देख रहे लड़के ले रहा है। चलिए अब आप ले लीजिए, अब अपना खाइएगा बस करके, जा जा कैसे छोड़ दे रहा है। A few moments later. तो अभी मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ फेस पैक, बहुत दिनों से कुछ भी नहीं लगाया और मैं ज़्यादा फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, तो हमने लगाई है फेस पैक, तो देखते हैं कैसा असर रहता है। मेरे लिए तो परफेक्ट है, हम हमेशा यही लगाते हैं, बहुत पहले से, शादी से पहले भी लगाते थे और अभी भी लगाते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं फेस पैक जब बनाऊँगी ना तो आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए, पहले पूरा केयर करते थे हम अपने फेस का, अपने हेयर का, आजकल मैं कुछ भी केयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि क्रियांश अभी छोटा है ना, तो क्रियांश को ज्यादा टाइम दे पाते हैं, इन सब चीजों पे कुछ भी नहीं दे पाते। और आज तो हम पहले बहुत सारा वीडियोस भी बनाया करते थे कॉमेडी की, आजकल वो भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि क्रियांश जो है सोता ही नहीं है, सोएगा उसके बाद थोड़ा टाइम से बैठेगा कहीं, जैसे टीवी देख रहा है तो टीवी देखेगा, तो नहीं, ये क्रियांश टीवी भी नहीं देखता है, थोड़ी देर देखा तो देखा, नहीं तो कुछ भी देखता उगता नहीं है, ये सिर्फ नटखट सिर्फ बदमाशी करता है ये, तो इस वजह से मैं अपना उतना ध्यान नहीं रख पाती। अभी बच्चे हैं, बच्चों में ज़्यादा समय देना भी चाहिए, इसका बचपना देखना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, बाद में तो है ही स्किन और हेयर का केयर तो होते रहेगा, है कि आज यहाँ से अपना प्रसाद वाला कटोरी लेके बैठा है। तो अगर आप लोग को जानना होगा, बहुत बार आप लोगों ने कमेंट किया दीदी अपना फेस पे जो लगाती हैं दिखाइएगा, तो फिर अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, जब मैं अपना ये फेस पैक बनाऊंगी ना तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद चीज़ है। मैं फेस वॉश ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ, कभी कदार कभी जाना हुआ कहीं तो ये यूज नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं वही यूज करती हूँ, नहीं तो हफ्ते में महीने में एक बार मैं यूज कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है, फायदेमंद बहुत है। अभी हमने अपना फेस धो लिया है और देखिए बहुत सही लग रहा है मुझे। इसमें क्या होता है, जो भी डेड स्किन होता है ना वो हट जाता है, अगर आपके फेस पे पिंपल्स है तो पिंपल्स नहीं आएंगे, और मेरा आईब्रो कितना बढ़ गया है, तो बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जिसको जो प्रॉब्लम, डॉक्टर जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, वैसे ही ये फेस पैक जो है कहता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, इस टाइप से मुझे बहुत फायदा करता है। और इसके बाद मैं फेस को पोछूंगी, कोई भी मॉइस्चराइजर आप अपने फेस पर लगा लीजिए, बहुत सही रहता है, हफ्ते में एक बार, जिसको जितना प्रॉब्लम है, जैसे कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2 दिन पे एक बार लगा लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो महीने में 2-3 बार लगा लीजिए, ऐसे करके, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं लगा लेती हूँ और सही काम करता है। तो चलते हैं क्रियांश के पास, देखते क्या कर रहा है। क्रियांश कर रहा है बदमाशी, क्रियांश आओ बस
देव जाएंगे भी डैडी को छोड़ने के लिए कोट, और क्रियांश जो मेरे पास आने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसको बस पापा चाहिए, बाबा चाहिए, और जब बाबा और पापा नहीं ले तब कोई चाहिए। 20 मिनट्स लेटर। तो अभी अभी पापा को जी कोर्ट छोड़ करके आए हुए हैं और आ गए हैं फील्ड में, क्योंकि धूप काफी अच्छा लग रहा है, सूर्य देवता नजर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा सोचे कि धूप सेक लिया जाए। बाकी जी वीडियो के टाइटल से आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा, अंदाजा कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम किसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। उनका भी वीडियो आया था, और वीडियो आने से पहले, वीडियो तो बाद में आया, पहले हमारी बातचीत हुई थी, और बातचीत के बाद जो है यहाँ सब कुछ हुआ। मम्मी सब आएगी, जिया सब रहेगी साथ में, तब मिल करके हम लोग फिलहाल बात करेंगे, तब तक जो है थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। तो आपको दिखाते हैं जी, जब हम लोग खेला करते थे अपने समय में क्रिकेट, सब तो इसी फील्ड में खेला करते थे। आज यहाँ पर बिजली ऑफिस ये सब कुछ बन चुका है, पहले यहाँ जो है फील्ड पूरा खाली हुआ करता था, तो इसी फील्ड में हम लोग खेला करते थे, हमारा बचपन जो है यहीं पर बीता है, और साथ में हमारे घर के पीछे एक प्लॉट खाली था, वहाँ पर खेलते थे। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ क्रियांश दादी के साथ आया हुआ है यहाँ पर, वो देखिए, ये देख रहे हैं क्रियांश को, चलते हैं उसके पास। हाँ पापा को देखिए, हो गया क्रियांश खुश, हाँ उसे फील्ड में ये खुश रहता भी है, बहुत अच्छे से खेलता है यार। तो अभी मैं घर की सफाई कर रही थी, क्योंकि हमारी सुबह दीदी आती है सफाई करके जाती है, झाड़ू पोछा करके, लेकिन फिर भी कभी कभी हम अपने से भी खुद से भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सामान जो है क्रियांश इधर बेड के पीछे फेंक देता है, बेड के नीचे रहता है, जो कि दीदी से नहीं हो पाता है, तो मैं करती हूँ। और अभी आया है क्रियांश के लिए कुछ गिफ्ट, कुछ भेजी है भाभी ने, बगल की जो भाभी है हमारी, वो भेजी है क्रियांश के लिए। पहले क्या होता था ना कि कुछ भी आता था तो कहती थी तुम्हारे और सोनू के लिए है, रितु तो यहाँ रहती नहीं है, जो रितु के लिए रहेगा, क्योंकि रितु तो ज़्यादातर बाहर ही रहती है, तो हम लोग रहते हैं, तो हमारे लिए और इनके लिए आता था ज़्यादातर चीज़। अब जब से क्रियांश आया है तो सिर्फ उसी के लिए आता है, उसकी बहन लोग आएगी बोलेगी ये क्रियांश के लिए, और कुछ भी उनके यहाँ थोड़ा बहुत बनता है तो वो ज़रूर यहाँ भेजेंगी। तो मैं दिखाती हूँ क्या आया है, मैंने भी नहीं देखा, अभी मैं देखती हूँ क्या आया है। ये आया हुआ है, देखती हूँ मैं खोल करके, और इधर ही रहती है उसकी बहन लोग, और यहाँ से क्रियांश बात करता है, रात में भी बोलेगा कि मुझे खिड़की पे खड़े करो। वाह क्रियांश के लिए लाए आया है, देख सकते हैं दो तरह के लाए हैं, एक ये और एक ये। तो उनके यहाँ कुछ भी बनता है, थोड़ा बहुत कुछ भी हो तो ज़रूर क्रियांश के लिए आता है, और पहले हम लोगों के लिए आता था, और आजकल सिर्फ क्रियांश, हमें तो भाभी भूल ही गई है, भले ही वो क्रियांश के लिए आए, लेकिन क्रियांश तो खाता नहीं है ज़्यादातर, हम ही लोग खाते हैं, दीदी डैडी तो मीठा कुछ खाते नहीं है, तो हम ही लोग ज़्यादातर खाते हैं। तो उसे थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा लगता है आपका प्यार, हमने कभी, हमें ये कभी लगता ही नहीं कि वो हमारी भाभी अपनी भाभी नहीं है, अपनी भाभी से ज़्यादा प्यार मिलता है उनसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जितना बोलूँ कम है, और कभी भी कुछ भी जरूरत होता है तो भाभी तुरंत आ जाती है हम लोगों के पास। A few moments later. देख सकते हैं अभी सफाई चल रही थी और कितना सारा सामान निकला है, ये देखिए, हमने बोला था ना कैप, ये कैप इतना गंदा हो गया है, और वो उस कोने में वहाँ पे पड़ा हुआ था, इतना सारा जितना कुछ दिख रहा है ना आपको, सारा कुछ इसके नीचे से निकला है, अभी मैंने निकाला है, ये बॉल, ये देख सकते हैं ये सारा कुछ, और एक बॉटल भी निकला है, मुझे ढूंढ रही थी कहाँ गया तो नहीं मिल रहा था, तो अभी सब कुछ मिला हुआ है। तो भी पतिदेव आ गए नीचे डायरी को छोड़ के, बेल पे बेल बजा रहे हैं, जब बोल रहे हैं कि आ रहे हैं फिर भी बेल पे बेल बजा रहे हैं। ये भी आ गया, नहीं नहीं अंदर मत आओ, अंदर मत आओ, अंदर नहीं आना है, अंदर नहीं, नहीं अरे बाय करना, इसको बाहर जाना है, गड़े नहीं आएंगे अंदर, आ जा चलो उतरो जल्दी आ, नो पापा कहता कैसे, नो ये को करते हैं बंद। कहा गया क्रियांश, ये कपड़ा का क्या हाल करके आए हैं आप दोनों? क्रियांश किया है खूब बाल उड़ाया है। चलिए ऊपर, क्रियांश के लिए बहुत कुछ आया है, दीदी और भाभी भेजी है, लाई अब सिर्फ क्रियांश के लिए आता है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। बच्चे के आने के बाद आपकी वैल्यू जीरो हो जाती है, आपके मायके में, आपके ससुराल में, कहीं भी जाओ जीरो वैल्यू है, सिर्फ बच्चों की वैल्यू रहती है। हमारे मायके में वही हाल है, और हमारे ससुराल में भी वही हाल है। यार झाड़ू लगाते लगाते मैंने झाड़ू गिरा दिया नीचे, तुमको झाड़ू लगाने बोले थे झाड़ू लगाने, गंदा लड़का सॉक्स निकाल रहा है, ये भी फेंकेगा नीचे, हर चीज देखी, सारा टॉय फेंक दिया नीचे, तुम बदमाश, बहुत बदमाश हो गया, भागो यहाँ से। 1 hour later.
तो हम लोग आ गए हैं जी साथ, क्रियांश चला गया है ऊपर, तो सोचा कि अभी थोड़ा सा मौका है आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि क्रियांश आएगा तो फिर धमाल शुरू हो जाएगा। देख रहे आवाज भी आना शुरू हो गया है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि सचिन भाई ने जो है अपने चैनल पर वीडियो डाला है, चैनल पर उनके बाद में वीडियो आया है, पहले हम लोगों की बातचीत हुई थी। अच्छा लगा जी, हम में से किसी ने इनिशिएटिव लिया। कई क्रिएटर तो पहले से ही समझा रहे थे कि सब लोग जो है साथ में मिल जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आप में से भी बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को अलग अलग देखते हुए, हालांकि बहुत अलग होना भी नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दोनों के बीच में। कुछ स्टेप लिया जाता तो शायद पहले ही कुछ समाधान हो जाता, लेकिन दोनों में से सभी लोग हिचक रहे थे कि कौन पहले बोलेगा। किसी ने स्टेप लिया और चलिए जी अच्छा लगा। और हमारी माँ ने भी जो है समझाया कि जब उसका कॉल आया था और फिर उसके बाद जब सामने से बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है, इस तरह से हट में नहीं रहना चाहिए। और जब वीडियो डाला तो माँ ने वीडियो देखा, माँ वीडियो देखती है, सबका वीडियो देख लेती है जब समय मिलता है। तो माँ ने समझाया कि जब वो बोल रहा है तुम्हें इतना कॉल किया तो इस चीज को अब इतना मत सोचो और इस बात को खत्म करो। और हम लोगों ने सोचा कि इस बात को खत्म किया जाए। बात है कि कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स है, जहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो फिर हम लोगों को भी जाना, हम लोगों को भी जाना होगा और जो वहाँ पर सचिन भाई को भी आना होगा। और पहले तो जब थोड़ा सा गुस्सा था तो सोचे हुए थे कि जहाँ पर वो जाएंगे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये ईगो एटीट्यूड वाली बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे कि हम लोग वहाँ पर रहे और जो हम लोगों में बातचीत नहीं हो। और फिर जो उसके बाद सोशल मीडिया पर है जी, पब्लिक लाइफ में है, जाहिर सी बात है जी, जहाँ पर दो लोग आपस में मिले और बातचीत नहीं करे तो उससे एक विवाद ही जन्म लेता है। तो बस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, इस वजह से हम लोग सोचते थे कि जहाँ वो लोग जाएंगे वहाँ। बिल्कुल, अभी हमें ध्यान है कि एक साथ के क्रिएटर है, उनका कॉल आया था, उनके बेटे का जन्मदिन है तो इनविटेशन वह दे रहे थे। तो वह कहे कि शाश्वत भाई और जिया जी आपको आना है, और इस बार यह नहीं कहिएगा कि सचिन भाई आ रहे हैं तो आप नहीं आइएगा। हम कह नहीं, समझाया भी, सब कुछ खत्म करिए, जब सामने से वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग भी खत्म कर लीजिए। हमारी माँ जो कि बहुत सोच समझ के सब कुछ फैसला ली, तो हम लोगों ने सब कुछ क्लियर कर दिया। बिल्कुल जी, और जो है हमने जो क्रिएटर फोन किए थे बर्थडे का इन्विटेशन देने के लिए, उनको हमने बोला भी नहीं जी इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग आएंगे। और बिल्कुल तो आएंगे जरूर। और अच्छा हुआ कि अब जो हम लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था उस चीज को खत्म किया गया, जो भी मनमुटाव था, तो अब तो कोई सवाल है ही नहीं। बात थी नहीं, बस दो ऐसे थे कि बस नहीं करना है, जो हुआ उस चीज को बस ये था कि तो जिसके ऊपर लगता है अब जो है कुछ ज्यादा बोलने को लेकर के बचा नहीं है। और बाकी देखा था कुछ कमेंट मात्र लगता है कि पॉइंट में परसेंटेज होगा या 1% का ही है, कि वह कह रहे थे कि तुम लोग जो है व्यूज के लिए वीडियो बना रहे थे इधर से। ना जी, व्यूज के लिए नहीं बना रहे थे वीडियो, और अगर हमें व्यूज लेना ही होता उनके पार्टी में जा करके ज्यादा व्यूज आता या यहाँ पर घर पर बैठे बैठे व्यूज ज्यादा आएगा। और उनके यहाँ फंक्शन में जाते तो लगभग दो दिन का कम से कम जरूर फंक्शन था, तो दो दिन में कम से कम 10 वीडियो तो जरूर बनते हैं। तो अगर व्यूज लेना होता तो हम लोग वहाँ पर होते। हम लोग जो है अपना एक साइड कुछ क्लियर कर रहे थे, वही एक बात थी, और किसी भी तरह का किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा था, ना ही हमने नाम लिया, सोचा कि उसके ऊपर विवाद नहीं हो इसलिए ना नाम लिया। और किसी तरह का उनके नाम को लेकर के कमेंट आता था वो भी मैं डिलीट कर दिया करता था, ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ विवाद जन्म ले। और मुझे अब किसी के विवाद में नहीं पड़ना है। यहाँ क्या होता है ना कि जैसे आप अपने घर में भी देखते होगे तो दो आदमी में झगड़ा हो रहा है, बीच का कोई गया कि समझाने के लिए, वो दोनों की झगड़ा खत्म हो जाती है और बीच में जो गए समझाने वही पड़ जाता है। तो यहाँ पे यही होता है, मुझे किसी से अब कोई मतलब नहीं है, सब अच्छे से रहिए, हम लोग भी अच्छे से ही रहेंगे, किसी के विवाद में नहीं पड़ना है। तो अब ऐसा करते हैं जी, अब माँ से बात करते हैं, माँ का क्या कहना है चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, माँ से भी आप लोगों को बातचीत करवा देते हैं। तो क्रियांश आ गया है अंदर और माँ भी आ गई है नीचे। तो सचिन भाई सबसे जो है सारा मनमुटाव, बात तो जो सचिन भाई का तुम्हारा भतीजा जो है इतना आतंकवादी हो गया, संभाल नहीं पा रहे, सब मिल के इसको संभाले। और दूसरी बात, हम एक बात तुम लोग से कहना चाहते हैं, तुम लोग पढ़ा लिखा है, सब कुछ मेरी बात समझता होगा, एकता में ही बल है। और भगवान के द्वार पर मैं खड़ी होकर के कह रही हूँ सभी यूट्यूबर्स से, जो मेरे बेटे के बराबर है या मेरे बेटे के दोस्त है, उसे तो हम सभी को समझते हैं कि हमसे अनुजे आप लोग होंगे, रिटायर्ड पर्सन को सीनियर सिटीजन में रखा गया है। तो हम अपील करते हैं आप लोगों से कि सभी लोग साथ मिलजुल कर किसी भी तरह का दोस्त आपस में नहीं रखे, ताकि किसी को मौका मिल जाए। जैसे हम लोग में पदाधिकारी का एक संघ होता है, कर्मचारी का संघ होता है, शिक्षक का संघ होता है, उस यूट्यूबर का एक संघ होना चाहिए, जो एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहे
और एक दूसरे के लिए मर मिटे। बिल्कुल जी, सभी लोग हम लोग एक ही कम्युनिटी नीचा दिखा दे तो हम लोग साथ रहे। जब तुम ही लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाओगे पराया तो हमला करेगा, इसलिए हमेशा एकजुट बन के रहो और खूब खुशी मनाओ। और अभी तुम लोग का उम्र है आगे बढ़ने का, अभी अगर इस सब में लग गया तो जीवन में पीछे चला गया, इसलिए हम एक माँ होकर तुम लोग से अपील करते हैं कि हमारी बात पर थोड़ा सा भी तुम लोग को अपनी माँ के लिए सम्मान होगा, जरूर तुम लोग इस पर खड़ा उतरे। बिल्कुल जी, तो मुझे नहीं लगता है कि जी आपको ज्यादा बोलने को बाकी भी रह गया है, माँ ने लगभग सारी बातों को कह ही दिया है। तो अब जो है वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, और हाँ जी हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। जी नेक्स्ट ब्लॉग में।